स्कल स्कल एडे हिंदी में से कहते हैं खोपड़ी, यानी कि अपने सर का पूरा हिस्सा, उसे हम स्कल कहते हैं और इसे हिंदी में मीनिंग है इसका खोपड़ी। मराठी में इसे कहते हैं कवटी। ब्रेन, अब ब्रेन तो सबको पता होता है कि ब्रेन किसे कहते हैं, हिंदी में इसे कहते हैं दिमाग, भेजा। मराठी में इसे कहते हैं मेंदू। फोरहेड, फोरहेड यानी अपने सर का सामने का हिस्सा, हिंदी में इसे कहते हैं माथा और मराठी में इसे कहते हैं कपाल। आईब्रो, आईब्रो यानी हिंदी में इसे कहते हैं भो और मराठी में इसे कहते हैं भुवया। आईलिड, आईलिड यानी पलक, हिंदी में इसका मीनिंग होता है पलक और मराठी में मीनिंग होता है पापण्या। आईलैश, आईलैश यानी हिंदी में इसका मीनिंग होता है पापनी और मराठी में इसका मीनिंग होता है पापण्यांवरचे केस। आईबॉल, आईबॉल यानी हिंदी में इसे इसका मीनिंग होता है आँख की पुतली, जो पुतली होती है आँख में, सबके आँख में काली, उसे आँख की पुतली कहते हैं आईबॉल यानी, यानी मराठी में इसका मीनिंग होता है बुबुड़। नोज, नोज यानी सबको पता होता है कि हिंदी में नोज का मीनिंग होता है नाक और मराठी में इसका मीनिंग सेम है नाक। नोस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल्स यानी हिंदी में मीनिंग है नासिका छिद्र, यानी जो छिद्र होते हैं अपने नाक में उसे नासिका छिद्र कहते हैं और मराठी में इसका मीनिंग होता है नाक पुड़िया। ईयर ड्रम, ईयर ड्रम यानी हिंदी में इसका मीनिंग होता है कान का पर्दा और मराठी में इसका मीनिंग होता है कानाचा पर्दा। लोब, लोब यानी हिंदी में इसका मीनिंग होता है कान की बाली, यानी जो कान का हिस्सा होता है उसे कान की बाली कहते हैं और मराठी में इसका मीनिंग होता है कानाचा पाकड़िया। चिक्स, चिक्स यानी हिंदी में इसका मीनिंग गाल और मराठी में इसका मीनिंग सेम है गाल ही कहते हैं। लिप्स, लिप्स यानी हिंदी में मीनिंग होता है होंठ और मराठी में इसका मीनिंग होता है वोट। जॉ, जॉ यानी हिंदी में इसका मीनिंग है जबड़ा, जबड़ा को जॉ कहते हैं और मराठी में भी इसका सेम मीनिंग है जबड़ा। अपर जॉ, अपर जॉ यानी हिंदी में इसका मीनिंग है ऊपरी जबड़ा और मराठी में इसका मीनिंग है वर्षा जबड़ा। लोअर जॉ, लोअर जॉ यानी हिंदी में इसका मीनिंग होता है नीचे का जबड़ा और मराठी में इसका मीनिंग होता है खाली जबड़ा। माउथ, माउथ यानी हिंदी में इसे कहते हैं मुख, मुंह और मराठी में इसका मीनिंग होता है तोल। टंग, टंग यानी सबको पता होता है कि टंग यानी क्या होता है, हिंदी में इसका मीनिंग होता है जीभ, जबान, जबान जो चलती है उसे जीभ कहते हैं और मराठी में भी इसका मीनिंग जीभ ही होता है। अब अपर पैलेट, अपर पैलेट यानी हिंदी में इसका मीनिंग होता है ऊपर का तालू, यानी अपने मुंह के अंदर जो होता है ऊपर ऊपरी हिस्सा उसे ऊपर का तालू कहते हैं और मराठी में इसका मीनिंग है टाड़ू। लोअर पैलेट, लोअर पैलेट यानी हिंदी में इसका मीनिंग है नीचे का तालू, यानी अपने मुंह के अंदर का नीचे का हिस्सा और मराठी में इसका मीनिंग है खाली तालू। टूथ, टूथ यानी हिंदी में इसका मीनिंग है दांत, एक दांत को हम टूथ कहते हैं और बहुत सारे दांत रहे तो टीथ कहते हैं और मराठी में भी इसका मीनिंग दांत ही होता है। टीथ, हिंदी में इसका मीनिंग दांत यानी बहुत सारे दांत, अनेक दांत और मराठी में भी इसका मीनिंग दांत ही होता है। गम्स, गम्स यानी हिंदी में इसका मीनिंग होता है मसूड़े, मसूड़े को इंग्लिश में गम्स कहते हैं और मराठी में इसका मीनिंग होता है हृदय। सलाइवा, सलाइवा यानी हिंदी में इसका मीनिंग है थूक, लार, जो अपनी थूक रहती उसको लार कहते हैं और मराठी में इसका मीनिंग है लाड़। चीन,
चीन यानी हिंदी में इसका मीनिंग है टुड्डी और मराठी में इसका मीनिंग है हनुवटी। बियर्ड, बियर्ड यानी हिंदी में मीनिंग है दाढ़ी, दाढ़ी को बियर्ड कहते हैं और मराठी में इसका मीनिंग है दाढ़ी। मॉस्टैच, मॉस्टैच यानी हिंदी में इसका मीनिंग है मूछ और मराठी में इसका मीनिंग है मिशा। फेस, फेस यानी हिंदी में इसका मीनिंग चेहरा और मराठी में भी इसे चेहरा ही कहते हैं। हेड, हेड यानी हिंदी में सर को हेड कहते हैं और मराठी में इसे कहते हैं डोके। थ्रोट, थ्रोट यानी हिंदी में कंठ, गला, इसको थ्रोट कहते हैं और मराठी में इसका मीनिंग होता है घसा। नेक, नेक यानी हिंदी में गर्दन, गर्दन को कहते हैं नेक और मराठी में इसका मीनिंग मान। शोल्डर, शोल्डर यानी हिंदी में कंधा, कंधे को शोल्डर कहते हैं और मराठी में इसका मीनिंग है खांदा। कॉलर बोन, अब कॉलर बोन किसे कहते हैं, हिंदी में इसका मीनिंग है हंसली, कॉलर की हड्डी, जो कॉलर की हड्डी रहती है उसे कॉलर बोन कहते हैं और मराठी में इसका मीनिंग है गळ्याचे हाड़। ब्यूटी बोन, ब्यूटी बोन यानी हिंदी में मीनिंग है हसली और स्त्री कॉलर की हड्डी, स्त्री कॉलर की हड्डी जो होती है यानी कि अब लेडीज की जो कॉलर की हड्डी होती है उसे ब्यूटी बोन कहते हैं और मराठी में इसका मीनिंग है स्त्रीच्या गळ्याचे हाड़। चेस्ट, चेस्ट यानी हिंदी में मीनिंग है सीना, छाती और मराठी में इसका मीनिंग है छाती। लंग्स, लंग्स यानी हिंदी में फेफड़े, फेफड़े को लंग्स कहते हैं और मराठी में इसे फेफड़े को कहते हैं फुफ्फुसे। बेली, टमी यानी हिंदी में इसका मीनिंग है पेट, पेट को बेली, टमी ऐसा कहा जाता है और मराठी में इसका मीनिंग है पोट। स्टमक, अब इसे भी हिंदी में अंदर का पेट, इसका मीनिंग है अंदर का पेट और मराठी में भी इसका मीनिंग है जठर। नेवल, नेवल यानी हिंदी में मीनिंग है नाभि, नाभि को नेवल कहते हैं और मराठी में इसका मीनिंग है बेंबी। इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन यानी हिंदी में इसका मीनिंग है आत, अतड़ी, अपने पेट के अंदर की जो अतड़ी होती है उसे आत, अतड़ी कहते हैं। इसका इंग्लिश में मीनिंग इंटेस्टाइन है और मराठी में इसका मीनिंग है आतड़ी। वेस्ट, वेस्ट यानी हिंदी में इसका मीनिंग है कमर और मराठी में इसे कहते हैं कंबर। थाई, थाई यानी हिंदी में मीनिंग है जांग और मराठी में इसका मीनिंग है मांडी। लैप, लैप यानी हिंदी में मीनिंग है गोद, गोद में बैठे रहना यानी गोद में लेटना इसे लैप कहते हैं और मराठी में इसका मीनिंग है खुशी। ट्रंक, टोर्सो यानी कि हिंदी में इसका मीनिंग है धड़, यानी कि जो अपना छाती का हिस्सा रहता है पूरा उसे धड़ कहते हैं और मराठी में भी इसका मीनिंग सेम है धड़। आर्मपिट, आर्मपिट यानी हिंदी में इसका मीनिंग होता है बगल और मराठी में इसका मीनिंग होता है काक। रिस्ट, रिस्ट यानी हिंदी में इसका मीनिंग होता है कलाई और मराठी में इसका मीनिंग होता है मनगट। पाम, पाम यानी हिंदी में इसे कहते हैं हथेली और मराठी में इसका मीनिंग होता है हाथाचा पंजा। फोर फिंगर, अब फोर फिंगर किसे कहते हैं, हिंदी में इसका मीनिंग होता है तर्जनी, पहली उंगली, जो कि अपने अंगूठे के पास जो उंगली होती है उसे पहली उंगली कहते हैं तर्जनी और मराठी में भी इसे इसका सेम मीनिंग है तर्जनी। मिडल फिंगर, मिडल फिंगर यानी हिंदी में मध्यमा कहते हैं और मराठी में इसका मीनिंग है मदले बोट। लिटिल फिंगर, लिटिल फिंगर यानी हिंदी में छोटी उंगली, कनिष्ठिका और मराठी में इसका मीनिंग है करंगड़ी। रिंग फिंगर, रिंग फिंगर यानी हिंदी में इसका मीनिंग है अनामिका, अनामिका जो उंगली होती है उसमें रिंग पहनते हैं
और मराठी में इसका मीनिंग है, सेम मीनिंग है अनामिका, थम थम यानी अंगठा, और मराठी में इसका मीनिंग है अंगठा। फिस्ट यानी हिंदी में इसका मीनिंग है मुट्ठी, और मराठी में इसका मीनिंग होता है मुठ। बाइसेप्स, बाइसेप्स यानी हिंदी में इसका मीनिंग होता है हाथ के मसल्स, और मराठी में इसका मीनिंग होता है बाहुचा स्नायु। लेग्स, लेग्स यानी सबको पता होता है हिंदी में इसे कहते हैं पाव, और मराठी में इसका मीनिंग होता है पाय। नी, नी यानी हिंदी में घुटना, और मराठी में इसे कहते हैं गुड़गांव। फुट, फुट यानी हिंदी में पग, पद, पैर, यानी जो पैर होता है अपना निचला हिस्सा उसे फुट कहते हैं, और मराठी में इसे कहते हैं पाउल। फिट, फिट यानी हिंदी में वही पग, पद, पैर, दोनों पैर, जो मराठी में इसका मीनिंग होता है पाउले। हील, हील यानी हिंदी में इसका मीनिंग होता है एड़ी, जो पिछला हिस्सा होता है अपने पैर का उसे एड़ी कहते हैं, और मराठी में इसका मीनिंग होता है टार्च। सोल, सोल यानी हिंदी में इसका मीनिंग होता है पैर का तलवा, जो नीचे से पैर का तलवा होता है उसे सोल कहते हैं, और मराठी में इसे कहते हैं तड़वा। टोज, टोज यानी हिंदी में इसका मीनिंग होता है पैर की उंगलियां, और मराठी में इसे कहते हैं पायाची बोटे। स्किन, स्किन यानी हिंदी में मीनिंग होता है त्वचा, चमड़ी, और मराठी में इसका मीनिंग होता है त्वचा। बैकबोन, बैकबोन यानी हिंदी में इसका मीनिंग होता है मेरुदंड, जो कि अपना बैकबोन होता है अपने पीठ के साइड में पीछे से, उसे बैकबोन कहते हैं, और इसका हिंदी में मीनिंग मेरुदंड होता है, और रीढ़ की हड्डी, और मराठी में इसका मीनिंग होता है पाठीचा कना। रिब्स, रिब्स यानी हिंदी में इसे कहते हैं पसलिया, और मराठी में इसका मीनिंग होता है बरगड़िया। एल्बो, एल्बो यानी हिंदी में इसका मीनिंग है कोहनी, और मराठी में इसका मीनिंग है कोपर। फोर आर्म यानी हिंदी में इसका मीनिंग है हाथ, कोहनी तक, अग्रबाहु यानी जो अपना हाथ का हिस्सा, सामने का हिस्सा होता है अग्रबाहु कहते हैं उसे, फोर आर्म, और मराठी में इसका मीनिंग है मनगढ़ा पासून कोपरा पर्यंतचा हात। बाइल, बाइल यानी हिंदी में इसका मीनिंग होता है पित्त, और मराठी में सेम मीनिंग है पित्त। प्लेश, प्लेश यानी हिंदी में इसका मीनिंग होता है मांस, मनुष्य का मांस, और मराठी में इसका मीनिंग होता है मांस। ब्रीद, ब्रीद यानी हिंदी में इसे कहते हैं श्वास लेना, सांस लेना, और मराठी में इसका मीनिंग होता है श्वासोश्वास। यान, अब यान यानी क्या होता है, हर एक को इस क्वेश्चन प्रश्न दिखता है कि यान यानी क्या, तो हिंदी में इसका मीनिंग होता है जमाई लेना, और मराठी में इसका मीनिंग होता है जांबई देनी। ब्लिंक, ब्लिंक यानी हिंदी में मीनिंग होता है पलक झपक, झपकाना, और मराठी में इसका मीनिंग होता है डोड़े मिचकावने। रीत, रीत यानी हिंदी में मीनिंग है रीत का अंगड़ाई लेना, और मराठी में इसका मीनिंग है आड़स देने। बेल्च, अब बेल्च यानी हिंदी में इसका मीनिंग है डकार लेना, खाने के बाद हर कोई डकार लेता है उसे बेल्च कहते हैं, और मराठी में इसका मीनिंग है ढेकर देने। जेस्चर, जेस्चर यानी हिंदी में इसका मीनिंग है भाव, मुद्रा, और मराठी में इसका मीनिंग है हाथ वारे करने। गार्गल, गार्गल यानी हिंदी में इसका मीनिंग है कुल्ला करना,
और मराठी में इसका मीनिंग है गुर्ण्या करने। स्नीप, स्नीप यानी हिंदी में इसका मीनिंग है सूंघना और मराठी में इसका मीनिंग है होंगने। स्नीज, स्नीज यानी हिंदी में इसका मीनिंग होता है छींकना, जो कि हर एक को सर्दी होती है सर्दी के मौसम में, तो स्नीज, स्नीज यानी छींकना। हाँ, खांसी और सर्दी के मौसम में छींकना, स्नीज होता है यानी छींकना, और मराठी में इसे कहते हैं शिंकने। पेंट, पेंट यानी हिंदी में हाँपना, जो कि बहुत सारे काम करने के बाद या एक्सरसाइज करने के बाद हम हाँपते हैं थकान आने के बाद, तो उसे पेंट कहते हैं और हिंदी में इसका मीनिंग है हाँपना और मराठी में इसका मीनिंग है धापा टपने। स्क्रीम, स्क्रीम यानी हिंदी में इसका मीनिंग होता है चिल्लाना, जोर से चिल्लाना, जबकि कोई बच्चा अगर किसी पशु को देख ले तो जोर से चिल्लाता है उसे स्क्रीम कहते हैं और मराठी में इसका मीनिंग होता है किंचाड़ने। श्रग, श्रग यानी हिंदी में इसका मीनिंग होता है कंधा झाड़ना और मराठी में इसका मीनिंग होता है खांदे उड़ौने। टू स्नब द नोज यानी हिंदी में इसका मीनिंग होता है नाक दबाना और मराठी में इसका मीनिंग होता है नाक दाबने। स्नोर, स्नोर यानी हिंदी में इसका मीनिंग होता है खर्राटे लेना। अब हर एक की परेशानी है कि जब सोते हैं तो खर्राटे लेते हैं, उसे स्नोर कहते हैं और मराठी में इसका मीनिंग है घोरने। साय यानी हिंदी में इसका मीनिंग है आह भरना और मराठी में इसका मीनिंग है उसासा टाकने। पिल, पिल यानी हिंदी में इसका मीनिंग है छिलका निकालना और मराठी में इसका मीनिंग है साल काटने। प्लक, प्लक यानी हिंदी में इसका मीनिंग होता है तोड़ना, यानी कि जो फ्लावर होते हैं हम पेड़ से तोड़ते हैं उसे प्लक कहते हैं और मराठी में इसका मीनिंग है खुरड़ने। स्टर, स्टर यानी हिंदी में हिलाना और मराठी में मीनिंग है ढवरने। समर सॉल्ट, समर सॉल्ट यानी हिंदी में इसका मीनिंग होता है गुलाटी मारना और मराठी में इसका मीनिंग होता है कोलांटोली मारने। स्टूप, स्टूप यानी हिंदी मीनिंग है आगे की ओर झुकना, स्टूप का मतलब होता है आगे की ओर झुकना और मराठी में इसका मीनिंग होता है पुढ़े वाकने। स्नैप द फिंगर्स, स्नैप द फिंगर्स यानी हिंदी में इसका मीनिंग होता है चुटकी बजाना, स्नैप द फिंगर्स का मीनिंग चुटकी बजाना और मराठी में इसका मीनिंग होता है चुटकी वाजवणे। क्रैक द फिंगर, अब क्रैक द फिंगर यानी हिंदी में इसका मीनिंग होता है उंगलियों को मरोड़ना और मराठी में इसका मीनिंग होता है बोटे मोड़ने। कप द हैंड्स यानी हिंदी में इसका मीनिंग होता है हाथ जोड़ना, नमाज के लिए हाथ जोड़ना और मराठी में इसका मीनिंग होता है ओंजड़ करने। टच द फीट हिंदी में इसका मीनिंग होता है पैर छूना और मराठी में इसका मीनिंग होता है पाया पड़ने। नीड, नीड यानी हिंदी में इसका मीनिंग है आटा गूंदना और मराठी में इसका मीनिंग होता है कनिक मलने। पिंच, पिंच यानी हिंदी में इसका मतलब है चिकोटना यानी चिमटी काटना और मराठी में इसका मीनिंग है चिमटा काटने। फोल्ड द हैंड्स, अब फोल्ड द हैंड्स यानी हिंदी में इसका मीनिंग है हाथ जोड़ना, नमस्कार के लिए हाथ जोड़ना और मराठी में इसका मीनिंग है हाथ जोड़ने। विंक, विंक यानी हिंदी मीनिंग है आंख मारना और मराठी का इसका मीनिंग है डोरा मारने। स्क्वीज, स्क्वीज यानी हिंदी का मीनिंग है निचोड़ना और मराठी में इसे कहते हैं पीड़ने। टिकल, टिकल यानी हिंदी में मीनिंग है गुदगुदी करना
और मराठी में इसका मीनिंग है गुदगुल्या करने। मैश, मैश याने हिंदी मीनिंग है मसलना और मराठी में इसका मीनिंग है कुटून लगदा करने। थैंक यू फ्रेंड्स, ये थे बॉडी से रिलेटेड सब वर्ड। और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।